नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम पाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। इसमें हमने टॉपिक वाइज प्रश्नों को रखा है, जो कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, केबल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। हमने 129 प्रश्नों को कर लिया है वीडियो के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है? सही उत्तर आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड राइट आंसर है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी पीवीसी होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अच्छा विद्युत रोधी होता है। यह रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल पीवीसी का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। अगला है, वह केबिल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है? सही उत्तर है आपका लेड सीथेट केबिल, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, यह रासायनिक उद्योगों एवं अन्य मशीनों की वैद्युत वायरिंग के लिए किया जाता है। रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल है। सही उत्तर है आपका लेड शीथेड केबल, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि एक बार फिर से बता देते हैं, रासायनिक उद्योग एवं भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल लेड शीथेड केबल होती है। उच्च वोल्टा केबलों को क्वथित करने हेतु तो प्रयुक्त तो पदार्थ है, राइट आंसर है इस्पात है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं, हाई वोल्टेज केबल को क्वथित करने हेतु तो प्रयुक्त तो पदार्थ इस्पात होता है। यह बेंडिंग संस्तरण के ऊपर तथा सर्विंग के नीचे होता है। यह बेंडिंग की सुरक्षा हेतु तो उपयोग किया जाता है। अगला है, केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए? सही उत्तर है आपका यहाँ पर अति अवरोधकता होनी चाहिए, निम्न विद्युतशीलता होनी चाहिए, उच्च परावैद्युत शक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी चीज़ होना चाहिए, सभी गुण, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, जो कि केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में अति अवरोधकता, उच्च परावैद्युत शक्ति, निम्न विद्युतशीलता का गुण होना चाहिए। केबल का विद्युत रोधक नमी मुक्त होना चाहिए, नमी के कारण इनका परावैद्युत सामर्थ्य कम हो जाता है। अगला है, ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है? सही उत्तर है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी, स्टील की तार, इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता की रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो निम्न होता है। सही उत्तर है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी, 1.23, इसका सही उत्तर है। चलिए, आपको बताना चाहेंगे फिर से एक बार, बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर गुणांक 1.23 होना चाहिए। अगला है, अगला आपका है, जो कि चांदी एक डेड डैश है। सही उत्तर, विद्युत का सुचालक होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, चांदी एक विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है। सामान्यतः सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन
की संख्या अधिक होती है। अगला है, धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो क्या होगा? सही उत्तर है आपका, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, अपवाह वेग घट जाएगा, राइट आंसर है। चलिए हम आपको बता देते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो अपवाह वेग घट जाएगा। फार्मूला देख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेग बराबर आई अपान एन ई इंटू ए, इसका फार्मूला होता है, इसे आप याद जरूर रखिए। अगला है, प्रत्यकारकों यानी विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है क्योंकि? सही उत्तर आपका, जो कि उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, जो कि प्रत्यकारकों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है तथा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक से कम तथा विद्युत रोधक से ज़्यादा होती है, जैसे कि अभ्रक, माइका, बैकेलाइट आदि सभी विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। अगला है, यहाँ पर देख लेते हैं, 470 ओम कार्बन प्रतिरोध में रंग कूट कलर कोड को निरूपित किया जाता है। आप सभी को पता होगा, चार तो होता है आपका पीला का होता है, चार पीला का होता है, और सात जो होता है वो बैगनी का होता है, सात बैगनी का होता है। फिर तीसरा स्टेप आपका होता है गुणे में 10 की घाते, यहाँ पर एक, यानी एक का मतलब भूरा होता है, यानी 10 की घाते 1 यहाँ पर रखेंगे तभी यहाँ पर 0 आएगा। फिर यहाँ पर इसे हल करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जो कि पीला पीला और बैगनी 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 और भूरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला है, यहाँ पर देख भी सकते हैं, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अति चालक यानी सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसमें डेड डैश होती है, क्या होता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं बी, शून्य प्रतिरोधकता, सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर अति चालक एक ऐसी धातु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है, उदाहरण के लिए पारा देख सकते हैं आप। किसी चालक सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता पर क्या असर पड़ता है? सही उत्तर है आपका, कम होती है, चालकता कम होती है, राइट आंसर है। अगला है, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर है, बढ़ेगा, राइट आंसर है। चलिए, चालक को ठंडा करने पर प्रतिरोध के मान में कमी आती है जबकि गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगला है, इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है, सही उत्तर है आपका, प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, राइट आंसर है। चलिए, ऋणात्मक ताप गुणांक निम्न में से किसका होता है, यानी एनटीसी आपका जो होता है जिसमें करंट नहीं फ्लो करता है, जैसा कि यहाँ पर हम आप देख आपको बताना चाहेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका विद्युत अपघट्य यानी विद्युत अपघट्य, इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है और उसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसमें अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थ आते हैं जैसे कि रबर, माइका, इलेक्ट्रोलाइट, जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, उनका ताप गुणांक होता है, जैसे कि इसमें धातुएं आती हैं जैसे कि चांदी, तांबा, पीतल, मरकरी आदि होती हैं। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? सिंपल सा है, आप सभी को पता होगा, जो कि इसमें आपका होता है विद्युत का चालक नहीं है, प्लास्टिक आपका सही उत्तर है, जो कि ये विद्युत का चालक नहीं, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, बाकी एल्युमिनियम करंट बहता है, सिल्वर में, कॉपर में, इसमें सभी में करंट फ्लो करता है। चलिए देख लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सही उत्तर डक्टिलिटी यानी तन्यता, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है, सही उत्तर है आपका, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी परावैद्युत हानि में वृद्धि, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल में पानी, वाष्प, नमी, आर्द्रता बढ़ाने से उसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस में वृद्धि होती है, वोल्टेज बढ़ाने से डाइलेक्ट्रिक में लॉस बढ़ता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस बराबर 2 पाई एप्सी V² टेन लेमडा होता है, फार्मूला रट लीजिएगा। अगला है, पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है, सही उत्तर है आपका, जो कि पीतल जो होता है कॉपर, कॉपर मिला होता है और इसमें जिंक मिला होता है, कॉपर और जिंक यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉपर और जिंक। कॉपर कितना होता है 60 से 80% और जिंक जो होता है 20 से 40% होता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। चलिए अगला, कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार डेड डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट परिसीमा में होता है, सही उत्तर है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सी 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट परिसीमा में होता है, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से क्रिस्टल को जितनी ऊर्जा दिया जाता है जिससे कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर तथा इस दरार को पार कर चालन पट्टी में पहुंच सके, जिसे कुचालक कहते हैं, हीरा एक कुचालक क्रिस्टली पदार्थ है। चलिए अगला, आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से डेड डैश है, सही उत्तर है जो कि कम है, राइट आंसर है। फिर से आपको बताना चाहेंगे, जो कि आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से कम है, वे पदार्थ जिसमें ऊर्जित दरार की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम यानी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं। आंतरिक अर्धचालक परम शून्य ताप 0 केल्विन 0 डिग्री केल्विन पर विद्युतरोधी पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, उदाहरण के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन देख सकते हैं आप। अगला है, बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है, सही उत्तर है आपका, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाता तत्व यानी डोनर एलिमेंट, इम्प्योरिटी कंटेंट अशुद्ध यानी आपका टेम्परेचर, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, दाता तत्व अशुद्धि संधारण और ताप राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या, बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर दाता तत्व अशुद्धि संधारण और ताप पर निर्भर करता है, इंटरिंग अर्धचालक में फर्मी लेवल वैलेंसी बैंड तथा कंडक्शन बैंड के मध्य ऊर्जा गैप में पड़ता है, जैसा कि एन टाइप में तथा पी टाइप अर्धचालकों में फर्मी लेवल पर निर्भर करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धातु में डेड डैश ऊर्जा अंतराल, अर्धचालक में डेड डैश ऊर्जा अंतराल और कुचालकों में डेड डैश ऊर्जा अंतराल होता है, ये यहाँ पर बताना आपको यहाँ पर क्या आएगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा
धातु में गैर विद्यमान ऊर्जा अंतराल अर्धचालक में जो होता है, अर्धचालक में जो आपका होता है यहाँ पर निम्न होता है, और यहाँ पर कुचालकों में जो होता है ऊर्जा अंतराल वो आपका होता है उच्च होता है। ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जो कि सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे जो कि यहाँ पर आपको कम समझ में आया होगा, आपको बता देते हैं। धातु में गैर विद्यमान ऊर्जा अंतराल, अर्धचालक में निम्न ऊर्जा अंतराल और कुचालकों में उच्च ऊर्जा अंतराल होता है। कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता सीमा जो होती है 10^10 से लेकर 10^11 होती है। माइका बराबर 7×10^14, हीरा का होता है 10^14। अगला, गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार निर्मित होता है। सही उत्तर है आपका जो कि प्लेटिनम इरिडियम राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगला देख लेते हैं जो कि इसमें आपको मिलान करना है फर्स्ट और सेकंड में। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर मिलाएंगे, जैसे कि तांबा को मिलाएंगे, तांबा अच्छा चालक होता है, यानी एक का आप तीसरे से मिला देंगे जो कि यहाँ पर हम देखते हैं। और लवण विलयन जो होता है ये आपका विद्युत अपघट्य होता है, यानी विद्युत अपघट्य चालक होता है। बी का दूसरे से मिलाएंगे। आज जर्मेनियम जो होता है वो आपका अर्धचालक होता है। फेरो निकल मिश्र धातु जो होती हैं वो प्रतिरोध, इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आपको मिलाना है जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि हमने अभी आपको मिलाकर दिखा दिए। फिर से यहाँ पर आपको बता देते हैं, तांबा जो होता है अच्छा चालक होता है, लवण विलयन जो होता है विद्युत अपघट्य होता है, जर्मेनियम अर्धचालक होता है, फेरो निकल मिश्र धातु में प्रतिरोध। चलिए अगला, कापर के तार का भू प्रतिरोध लगभग कितना होता है? सही उत्तर है आपका जो कि 1 ओम होता है, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। सही उत्तर अर्धचालक के रूप में, आप सभी लोगों को पता होगा इसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला है, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तब क्या होगा? सही उत्तर है आपका, अगर एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो आपका यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तो तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से वोल्टेज उत्पन्न होता है। अगला है, एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनावेश धनात्मक आवेश रहता है? सही उत्तर है आपका जो कि प्रोटॉन में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, और जो न्यूट्रॉन आपका होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता, यानी वो उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाह्य कक्षा में आपका चक्कर लगाता रहता है। चल अगला है आपका, अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? सही उत्तर है आपका जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उच्च भंजक वोल्टता होनी चाहिए, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अधिक जानकारी देखते हैं जो कि अच्छे अचालक के गुण देख लेते हैं। अचालक की परावैद्युत सामर्थ्य का मान उच्च होना चाहिए। अचालक प्रतिरोध यथासंभव उच्च होना चाहिए। अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकृत कर सकने योग्य होना चाहिए। अचालक सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए। चलिए अगला है, विद्युत रोधन यानी इंसुलेटिंग सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सही उत्तर है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम नहीं है, जबकि माइका होती है, पीवीसी होती है, रबर होती है, आपकी नाइक्रोम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? चांदी है जो कि आप सभी को पता होगा, दूसरे नंबर पर आपका तांबा आता है, तीसरे नंबर पर आपका सोना आता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर, विद्युत का चालक की चालकता इस प्रकार है, चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम आदि। अगला है, कुचालकों में ऊर्जा अंतराल क्या होता है?
सही उत्तर है आपका। यहाँ पर देख सकते हैं उच्च होता है राइट आंसर है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे अर्ध चालक में ऊर्जा अंतराल निम्न होता है, चालकों में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, कुछ चालकों में एनर्जी गैप उच्च होता है जो कि अर्ध चालकों में एनर्जी गैप 1 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। अगला है, अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम एक डेड डैश बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं? राइट आंसर एन प्रकार का अर्धचालक सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन में मिला दें तो हमें एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, अगर हम जर्मेनियम को बोरान से मिला दें तो हमें एक पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। डायोड में पी तथा एन दोनों प्रकार के अर्धचालक पाए जाते हैं। अगला है, यूरेका तारे समानता डेड डैश प्रयोग की जाती हैं, यूरेका तारे प्रयोग की जाती हैं, सही उत्तर स्टार्टर में, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, यूरेका तारे समानता स्टार्टर में प्रयोग की जाती हैं, कॉपर का एल्यूमिनियम तारे समानता वाइंडिंग में प्रयोग की जाती हैं, और नाइक्रोम तारे समानता हीटर में प्रयोग की जाती हैं, और अर्थिंग में SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज GI तारे प्रयोग की जाती हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार डेड डैश होती है। उच्च वर्षा वाली क्षेत्रों में जो तार प्रयोग की जाती है वो लेड सीथेड तार प्रयोग की जाती है, यानी आपका लेड सीथेड 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 तार प्रयोग करते हैं। अब उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए आज थे ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए, और दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।